अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे होंगे और ईद की थकावट उतार चुके होंगे। आज इत्तेफाक से हमारा एक मेहमान आया हुआ था रहीम खान से, हम उसके साथ शॉपिंग पे आए हुए थे तो नमाज असर का टाइम हो गया, तो हमने सोचा नमाज असर बाजमात अदा कर ली जाए। और जब नमाज असर आपको बाजमात मस्जिद तुबा में मिले तो क्या ही बात है। मस्जिद तुबा डिफेंस के इलाके के अंदर वाकई है, जिसे अमूमन गोल मस्जिद भी कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी बाहर से लोग आते हैं या पाकिस्तान से जितने भी शहर से लोग आते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है एक बार हम लाजमी मस्जिद तुबा आएँ। तो हमने सोचा जो हमारे साथ मेहमान आया हुआ है, हम उसे भी एक बार यहाँ पर लाजमी लेकर आएँ। वो मेहमान आकर तो खुश हुआ और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, जब मैंने पहली बार इसे अपनी आँखों से देखा था ना, तो क्या दिलकश नज़ारा था। आप इसमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये ऐसे बाहर से लगती है छोटी सी, लेकिन ये अंदर से बहुत वसी है और इसमें एक टाइम में 5,000 नमाजी हजरात आ सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर एक फैन नहीं लगा हुआ, इसको उस वक्त जितनी जिद्दत से बनाया गया था, मतलब हर गेट इसके इस हिसाब से है कि यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होती है और यहाँ से हवा का इस तरह का वो है, क्रॉस के अंदर हर वक्त ठंडा ही रहता है। अभी आपको हम अंदर से भी मस्जिद है वो दिखाएंगे, आप खुद देखेंगे और आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे एक टाइम में तकरीबन 100 आदमी फुजूक कर सकते हैं। और ये इसका माशाल्लाह आप जैसे देख रहे हैं हसीन तालाब है, अभी तो फिलहाल अभी ऑन नहीं है, लेकिन जब ये खोल देते हैं तब इसका एक माशाल्लाह बहुत हसीन होता है मंजर। अभी आप ये देख रहे हैं साफ पानी बिल्कुल। और इसके अंदर जो लोग 5,000 लोग आ सकते हैं वो अलग है, और इसके सहन में भी काफ़ी हद तक लोग आ सकते हैं। आप जैसे वो देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी मेरा जो ख्याल है तकरीबन 2,000 लोग तो बासानी आ सकते हैं। और इसकी दूसरी बात ये, इसकी खासियत ये है कि ये चारों तरफ से एक सी है। अब आए आपको हम अंदर लेके चलते हैं। अब आप देख रहे हैं सिक्वेंस में वो बनी हुई सेम है, चारों तरफ से चारों साइड से बिल्कुल सेम है। और ये माशाल्लाह अंदर का देख रहे हैं आप दिलकश व्यू। और इसकी ख़ास बात ये, इस पूरी मस्जिद में एक भी सुतून बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आप ये देख रहे हैं सिर्फ गोल है। और इसके अंदर फ़ैन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं 1, 2, 3 इस पर तकरीबन 16 गेट हैं, 16 से 18 गेट हैं, और उस गेटों में से हवा का गुजर इस तरह से होता है, क्रॉस वेंटिलेशन होती है कि पूरी मस्जिद अभी ना किसी फ़ैन की ना किसी एसी की ज़रूरत है। और ये मस्जिद इस वक्त भी ठंडी है, हालांकि अभी बाहर आपको जैसे पता है कराची के अंदर टेम्परेचर 32 है, लेकिन बहुत अच्छा अंदर का माहौल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मस्जिद के अंदर दीवारों के ऊपर जो संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए हैं, इनकी तादाद है 7,68,000। और जो इस मस्जिद के गुंबद के नीचे जो शीशे की तादाद है वो है 70,000 वो शीशे इसके अंदर दफ किए गए हैं। जी तो हम आपको बहुत ख़ास बात बताना भूल गए, जो हमारे मेहमान आए हमने आपको उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हैं हमारे फजल रहमान भाई, ये रहीम खान से आए, ये हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। और जब भी हमारा पंजाब साइड पर या साउथ या नॉर्थ साइड पर जब भी चक्कर लगता है तो हम इनके पास एक दिन लाजमी ठहरते हैं। हम इनके बहुत मशहूर हैं, इन्होंने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट के अंदर आप बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Allah.